सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो एक बड़ी अपडेट और हम यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती की तरफ से। उत्तराखंड जो मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, चिकित्सा सेवा चिन्ह बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, वो अपडेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आजकल आपको पता है कि लगातार अपडेट आ रहे हैं विभिन्न भर्तियों को लेकर, जो पहले की भर्ती हुई है उसको लेकर भी, और जो अपकमिंग भर्तियाँ हैं, आने वाली भर्तियाँ उनको लेकर भी। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट जो है उत्तराखंड की जो सरकारी भर्तियों को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड के राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के टेक्नीशियन संवर्ग के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन के रिक्त 104 पदों पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु सूचना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है 3 अगस्त 2024 द्वारा यहाँ पे जो है टेक्नीशियन संवर्ग के अंतर्गत जो लैब टेक्नीशियन के 104 पदों पर यहाँ पे एक रिटर्न एग्जाम्स करवाया गया था, और एक यहाँ पे उन्होंने कट ऑफ जो रिटर्न एग्जाम्स हुआ था उसकी एक कट ऑफ अंक यहाँ पे जारी की गई थी। अब जो है उसमें हमने देखा था, उस लिस्ट में हमने क्या देखा था कि आयोग ने उसमें पूरे अभ्यर्थियों के नाम, एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये है लिस्ट मेरे पास। तो यहाँ पे क्या क्या था, आयोग ने जो है जो 104 पदों पे लैब टेक्नीशियन के जो पदों पे भर्ती हुई थी, यानी कि जो रिटर्न एग्जाम्स यहाँ पे करवाया गया था, उसमें जो अभ्यर्थियों के यहाँ पे आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और 100 में से उनके कितने नंबर हैं, सबका यहाँ पे एक लिस्ट जारी करी थी। तकरीबन कितने अभ्यर्थी थे हमने उस टाइम देखा था, कितने अभ्यर्थी थे ये। तो ये है हमारे पास, ये है टोटल जो अभ्यर्थी हैं 923। 923 अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया था। तो सबके मार्क्स यहाँ पे आयोग ने वेबसाइट पे जारी किए थे, और एक कट ऑफ की सूची भी यहाँ पे दे दी थी कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, और कट ऑफ जाने के बाद अब आयोग ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट भी जो है जारी कर दी है। तो अब डीबी के लिए देखें, 20 अगस्त का जो डेट दे रखा है, दिनांक 20 अगस्त 2024 मंगलवार, उपस्थिति का समय प्रातः 10 बजे। रोल नंबर कहाँ से है, 366 स्टार्टिंग है, यानी कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं केवल उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट का जो कट ऑफ क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको बताया था लिस्ट में, उसमें साफ साफ क्लियर मैंने आपको बताया था कि कितने कैंडिडेट किस कट ऑफ से इतने परसेंटेज जो है मिनिमम लाना क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरी था। तो तकरीबन देखो अब कितने कैंडिडेट हैं, अगर आप इसमें काउंटिंग करो तो ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, और ये नीचे कितने हैं आपके लाइनें, नीचे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं। ठीक है, और एक लाइन में कितने हैं, 3 4 6 हैं। ठीक है, 48, 50, 50 अभ्यर्थियों का जो है डीबी होगा 20 अगस्त को। ठीक है, 50 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 20 अगस्त को होगा। ठीक है, 50 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, और एक लाइन में कितने हैं, नीचे की तरफ जाएंगे देखो, एक लाइन में इधर की साइड को जाएंगे 6, और नीचे की तरफ ये 8 हैं, तो 8 6 48 प्लस 2 बच्चे ये हैं 50। उसके बाद 21 तारीख को भी मेरे ख्याल से इतने होंगे, 50 50 के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6, तो ये 50 50 के क्रम में इन्होंने डीवी के लिए बुला रखा है। 21 अगस्त को भी होना है। ठीक है, कितना हो रहे हैं ये, एक सेकंड काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 50 ये हो गए हैं, और नीचे की जो लिस्ट है 51, तो 50 ये हो गए, 51 5 1, टोटल इन्होंने जो बुलाए हैं 101 जो है अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया है। 2 दिन का 20 और 21 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, और 20 और 21 को, 20 तारीख को तो 50 अभ्यर्थियों का डीवी होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, 21 तारीख को 51 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची पृथक से जारी की जाएगी। लैब टेक्नीशियन पद हेतु निर्धारित किए गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिए एवं बिना कोई समुचित कारण बताए अनुपस्थित होता है, तो उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा और एवं पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए तथ्यों से संबंधित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं,
या फिर जो प्रमाण पत्र है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आयोग ने साफ साफ लिखा है कि भाई आपने जो फॉर्म फिल किया था लैब टेक्नीशियन का, देखो रिटर्न एग्जाम्स तो आपने दे दिया, आप क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दिखा पाते हैं, आपको क्वालिफाई होने के बाद भी आयोग आपका डिस्क्वालिफाई कर देगा। ठीक है, अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में डॉक्यूमेंट्स जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स के दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको ले जाने हैं। अब देखो आपको दो शर्ट बना के ले जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करके। ठीक है, दो शर्ट बनाएंगे, उन दोनों शर्ट में आपको किस सीक्वेंस में रखना है, सबसे पहले आप एडमिट कार्ड लगाएंगे उसमें, उसके बाद टेक्नीशियन संवर्ग के अंदर का लैब टेक्नीशियन पद हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन की दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको लगानी है। उसके बाद देखो इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, हाई स्कूल का मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट का क्या मतलब है। देखो कहीं जब पहले क्या होता था, हम उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम देते थे तो सर्टिफिकेट जो है अलग से इशू होता था, मार्कशीट अलग से इशू होता था, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही चीज़ में आ गया, एक ही उसमें आ रहा है। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट का मतलब जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, जबकि मार्कशीट हो गया जिसमें आपके मार्क्स लिखे हैं। अब क्या हो रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जिसमें सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो एक ही में आ रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपका एक ही में है तो आपको यहाँ पे अलग अलग नहीं, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोल रहा है अगर आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही में है। यदि आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है तो फिर आपका सर्टिफिकेट भी लगेगा और आपकी मार्कशीट भी लगेगा। सेम चीज़ इंटरमीडिएट के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ फॉलो होती है। ठीक है, उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा के मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रत्येक वर्ष के आपको ये लगाने हैं। उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री का जो है प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, दो सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो वैध होना चाहिए, यानी कि जो आपका पैरामेडिकल काउंसलिंग में जो आपका जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसका रजिस्ट्रेशन है वो आपका वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक्सपायरी हो। और अगर देखो किसी ने रिन्यू करवाया तो आपका रिन्यू भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा एनसीसी या एनसीसी का अगर किसी के पास में है तो वो लगाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके अलावा अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता पिता, पत्नी पत्नी आर्मी पहला मिट्टी, ये उनके लिए है कि जो ऐसे अभ्यर्थी थे कि जिनके माता पिता पत्नी आर्मी वो उत्तराखंड में जो है पैरामिलिट्री वो गवर्नमेंट सेवा में गवर्नमेंट सेवा कर रहे हैं और उनका जो है उत्तराखंड राज्य से बाहर उनका किसी भी हाल में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उसका एक प्रमाण पत्र भी लगाना है। आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगाना है, वो भी आपका वैलिड होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायरी हो, वो भी आपका वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा जो DFF है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर किसी ने लगा रखा है, पूर्व सैनिक, फिजिकली हैंडीकैप या उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे संबंधी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अलावा केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा NOC, यहाँ पे दो NOC भी यहाँ पे आपको लगानी है यदि आप कहीं पे ऑलरेडी किसी जॉब में हैं। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी का जो लास्ट नेम है वो मेरिट के बाद अगर चेंज किया गया है, विवाह के बाद उसका लास्ट नेम चेंज किया गया है, तो उसका जो उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो तो इस संबंध में मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो 10 रुपये का जो नोटराइज सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे नोटरी, यानी 10 रुपये की नोटरी आपको जो है कोर्ट से बना के वो ले जाना है, उसका आपको वहाँ पे दिखाना है। इसकी भी दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है। अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई प्रमाण पत्र है तो ये चीज़ें आपको लगाना है और ये सीक्वेंस इसी में लगाना है आपको। तकरीबन तकरीबन ये कितने हो रहे हैं, 15-16 हो रहे हैं ये। ठीक है, 15-16-17-18 हो रहे हैं, तो इसी सीक्वेंस में आपको लगाना है। पहले नंबर पर आपको एडमिट कार्ड लगाना है सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लगाएंगे आप, एडमिट कार्ड लगाएंगे, फिर उसके नीचे लगाना है
ऑनलाइन आवेदन आपने जो किया है वो, फिर उसके नीचे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाना है, फिर आपको लगाना है डिग्री या डिप्लोमा का प्रत्येक वर्ष का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, फिर उत्तराखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन, फिर एनसीसी वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, फिर ये वाला जो है आपको सर्टिफिकेट लगाना है माता पिता वाला, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जिनका, फिर उसके बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना है, सब कैटेगरी वाला, कैटेगरी वाला, ठीक है, कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर सब कैटेगरी वाला लगाएंगे, उसके बाद आपको ये एनओसी वाला लगाना है, और फिर उसके बाद लगाएंगे ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट या 10 रुपये का नोटरी सर्टिफिकेट, और सबसे लास्ट में यदि कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको ये लगाना है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको 2 शर्ट बना के जाने हैं घर से ही, और ये अलग अलग आपको दिखाना है। मोबाइल पर अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं तो वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये रोल नंबर दे रखा है, रोल नंबर के अनुसार आप चले जाएगा। अब एडमिट कार्ड देखो, एडमिट कार्ड कैसे आएगा, एडमिट कार्ड के लिए वैसे आपको पता ही है लॉगिन करना है, वो मैं अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ उस पर भी, कहाँ से आपको एडमिट कार्ड निकालना है। तो फिलहाल ये लिस्ट है, इसके अनुसार ही आपको डीबी के लिए जाना है। यहाँ पे आप रोल नंबर के देखो, एडमिट कार्ड तो आपको निकालना ही पड़ेगा बिना एडमिट कार्ड के, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि जो एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो रोल नंबर तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई किस दिन हो रहा है, एडमिट कार्ड भी आप निकाल देना, तो उसी के अनुसार आपको डीबी के लिए जाना है।